माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ा हुआ प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ईआर प्रोजेक्ट में मेरे 21 काम है और उसका टेंडर हो गया, स्वीकार हो गया, काम शुरू हो गया, उसके लिए तो सरकार का धन्यवाद। एफआर प्रोजेक्ट का टेंडर भी लगभग उसके साथ में हुआ था महीने भर बाद, और वो 2021 सितंबर अक्टूबर में, वो अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। क्या वो रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ है, और यदि रिजेक्ट हो गया तो उसकी जगह दोबारा टेंडर अब तक क्यों नहीं किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जेजेएम के टेंडर्स के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि हमको 2022 की बीएसआर पे अनुमत करें, लेकिन हमें कोई इसकी मंजूरी नहीं मिली। तो जो टेंडर 2020 और 2021 के बीएसआर पे किए हुए थे उनको अधिक दर मानते हुए एफडी ने भी रिजेक्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी अनौपचारिक रूप से ये मानना था कि दरें ज्यादा हैं। तो एफडी ने जब हमारे जो टेंडर थे उनका अप्रूव नहीं किया, तो हमको उनको निरस्त करना पड़ा। हमने एफडी को नए प्रपोजल्स भेजे हैं। हम ये आग्रह कर रहे हैं एफडी से भी कि 2022 के बीएसआर पर अगर हमें अनुमत करें तो ये टेंडर हम लगा पाएंगे, अन्यथा जो भी अनुमत करेंगे एक बार फिर से टेंडर लगाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो लक्ष्य प्रस्तावित हैं हम उस समय सीमा के अंदर अंदर ही काम करने के लिए टेंडर निकालें। अध्यक्ष महोदय, दोनों टेंडर में मुश्किल से एक महीने का अंतर है, और 2021 में टेंडर फ्लोट हुए थे, तो 22 की बीएसआर पे क्यों मांग रहे आप? दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या इसमें क्लब हुआ था? सारे टेंडर जो थे टेंडर लगाने वाले सबने एक ही रेट भरी थी इस एफआर वाले में, और इसलिए वो 35% अबव गई है ईआर के तुलना में एक महीने के गैप में 35% पूल हो गया। वो सारा पूल होने से 35% अबव गई, इसलिए आपने क्वेश्चन किया आप सरकार को क्यों बीच में ले रहे हैं 2022 को? प्रश्न पूछते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रश्न ये ना कि आप उसको बीच में क्यों ले रहे हैं, पूल क्यों किया आपने? टेंडर की अपनी एक प्रक्रिया है, टेंडर की अपनी एक प्रक्रिया है, कमेटी बनी हुई है, वो सेंक्शन देती है। हमारा उसके अंदर जो हमारे जो टेंडर को मंजूर करने वाली जो फाइनेंस कमेटी है उसके अंदर एफडी का आदमी बैठता है। हम वो सारी प्रक्रिया, अगर हमारे कहीं भी प्रक्रिया में कोई विसंगति पाई जाती है या ऐसा लगता है कि दर अधिक है, तो किसी भी कारण से एफडी उसको मंजूरी नहीं देती, तो कारण एक महीने का अंतर था, दो महीने का अंतर था। अगर किसी में रेट ज्यादा आई है, जो हमारे पास रेट आई हमने एफडी में प्रपोज कर दी, एफडी ने मंजूर नहीं करी, उसको कैंसिल कर दिया, दोबारा अगर हम जब टेंडर करेंगे जो रेट आएंगे हम वैसे करेंगे। पुलिंग का आरोप, अगर आप जैसी बात कर रहे हैं पुलिंग का, आपके पास कोई आरोप हो तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। अगला प्रश्न श्री राम स्वरूप लांबा, मान से दस प्लीज। अगला प्रश्न श्री